Hey there, this is Prashant Sharma and let's get started our first lecture on scalar and vector. Okay, in this class aap log basic phenomena samjhenge scalar vector ka aur physics mein jitna use hota hai scalar vector ka main utna aapko kafi kuch is series mein bataunga. Teen lecture honge is series mein. Okay, ye pehla lecture hai jisme aap log basic funda samjhenge aur classification of vector samjhenge and then we'll see the phenomena of unit vector. Okay, और तो सिग्निफिकेंट ऑफ यूनिट वेक्टर. ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर और वेक्टर. स्केलर एंड वेक्टर, दिस इज द टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी बुक में. ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 में मोशन इन अप्लेन में एक पार्ट है, एक उसका पार्ट है. ओके, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चैप्टर दिया हुआ है. किसी में कुछ पार्ट बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी साइड. ठीक है, तो अपन लोग एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है तो हमें पढ़ना है. और आई डोंट नो द चैप्टर. ओके, आई डोंट नो एनी चैप्टर लाइक विच इज इम्पोसिबल, विच इज नॉट पॉस, विच कैन बी अपन लोग सॉल्व कर लें इसके बिना, स्केलर वेक्टर के बिना. ऐसा कोई चैप्टर नहीं है फिजिक्स में, देयर इज नो चैप्टर. ओके, तो इतना इम्पोर्टेंट फिनोमेना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, बनती दवा से. ओके, सबसे पहला हमें अपन लोगों को याद करना चाहिए स्केलर क्वांटिटी. ओके, एक्चुअली में जो हमारा साइंस है फिजिक्स बेसिकली, इसको एक मैनेजमेंट बना दिया गया है, इसको समझने का एक मैनेजमेंट बना दिया गया है. ओके, और एक मैनेज करके सब्जेक्ट को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें रिप्रेजेंट किया गया है. उस रिप्रेजेंटेशन में हमने कुछ सिमिलैरिटीज देखी, कुछ क्वांटिटीज भी है. इन क्वांटिटीज में ये सिमिलरिटी है, इन क्वांटिटीज में ये सिमिलरिटी है. तो उन्हीं सिमिलरिटी के बेस पे हमने फिजिक्स की जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज, उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. उनमें से एक फंडा है स्केलर और वेक्टर का. हालांकि उसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके बेस पे अपन लोग क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं. लाइक स्केलर वेक्टर एक अलग फंडा है, उसके अलावा बेस और ड्राइव क्वांटिटी एक अलग है जिसको आप यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ते हैं. ओके, आई विल टीच यू दैट आल्सो. ओके, आई विल मेक द वीडियोस ऑन दैट दोस टॉपिक, बट दिस इज द फर्स्ट. ओके, सो स्केलर क्वांटिटी. ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ ईयर आई एम यूजिंग द व्हाइट बोर्ड एक्चुअली. ठीक है, आफ्टर 6 मंथ स्केलर क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोस क्वांटिटीज विच हैव नो डायरेक्शन, द क्वांटिटी विच हैव नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उनके पास, ओनली हैज मैग्नीट्यूड, ओनली हैज मैग्नीट्यूड. दिस इज द बेसिक फिनोमेना. अ क्वांटिटी विच हैव नो डायरेक्शन, ओनली हैज मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है डिस्टेंस. आप जो भी डिस्टेंस कवर करते हो अपने पूरे लाइफ में, ओके, लाइफ में आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया वो सारा का सारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा एड होता है, कभी सब्स्ट्रैक्ट नहीं होता. आप 3 मीटर आगे गए है ना और 2 मीटर पीछे आए. ओके, तो आप कितना डिस्प्लेस हुए, दैट इज अ थिंग. ओके, यू डिस्प्लेस ओनली 1 मीटर. ओके, यू गो 3 मीटर दिस डायरेक्शन एंड देन 2 मीटर्स बैकवर्ड, 2 मीटर बैकवर्ड आए एंड 3 मीटर टोटल गए. तो आप एक्चुअल में कितना डिस्प्लेस हुए, दिस वन 1 मीटर, बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस. हाउ मच द डिस्टेंस यू कवर, 3 + 2 = 5 मीटर. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड इज कॉल्ड द डिस्टेंस. ओके, सो नाउ दिस वॉज द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ द स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी यू नो स्पीड. स्पीड आप सब बाइक चलाते हैं और मुझे पूरा यकीन है. ओके, बाइक राइडिंग का आप लड़कों में से कोई, कई लड़कों को शौक होगा, और यदि गर्ल है तो उसको स्कूटी का शौक होगा. कोई लड़कियां बुलेट भी चलाती हैं, ऐसा नहीं है. ओके, सो वहां पे आपको बेसिक फंडा क्या है कि वहां पे एक स्पीडोमीटर एक डिवाइस होती है जो रिप्रेजेंट करती है स्पीड को. ओके, नो मैटर इन वेयर यू आर गोइंग. ओके, वेन एवर यू आर गोइंग, वेर एवर यू आर गोइंग एंड एट वॉट
एक्सेलरेटिंग और कैसे भी जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। बट फर्क क्या पड़ता है कि वो स्पीडोमीटर हमेशा स्पीड दिखाता है आपको। आप ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, आपकी स्पीड यदि आप कॉन्स्टेंट बनाए रखे हो तो इट विल नॉट गोइंग टू बी चेंज बाई चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। दैट मीन्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। डायरेक्शन चेंज ना होने की वजह से क्वांटिटी क्या है, कॉन्स्टेंट रही है, तो इसलिए वो एक क्वांटिटी कैसी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। हालांकि आप बहुत सारी क्वांटिटी जानते हैं, टाइम टाइम कभी भी सब्सट्रैक्ट नहीं होता, हमेशा ऐड होता है। टाइम कभी भी पास ही होता है ना, टाइम पास अवे, कभी भी इतने वो टाइम आ गया वापस, ऐसा तो नहीं आपने टाइम फेंका आ गया वापस, ऐसा कभी नहीं होता। टाइम गया, टाइम पास, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयर आर सो मेनी, ओके, आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड, ठीक है। तो एक्सेट्रा, इससे आगे की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको स्केलर और वेक्टर बोल सकते हैं अपन लोग, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा फोकस स्केलर क्वांटिटीज पे है ही नहीं, मेरा फोकस है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। लेट मी चेक द कैमरा एक्चुअली, इज इट ओके, यस इट इज लिटिल बिट लाइक टिल्ट, ओके, नाउ इट इज आई थिंक सो इट इज ओके, ओके, लेट्स सी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। सो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी कौन होगी, ध्यान से समझो इसका, क्योंकि यहाँ पे स्केलर वाला उल्टा फंडा नहीं लगेगा कि वो उसके पास डायरेक्शन हो जाएगी ना, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन डिफरेंट होगी, क्या होगी, दोस क्वांटिटीज, ओके, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लिखना चाहिए, क्वांटिटी लिखना चाहिए, अरे विच हैव एट लीस्ट डायरेक्शन, द क्वांटिटी विच हैव एट लीस्ट द डायरेक्शन, डायरेक्शन होनी चाहिए एंड नॉट इनफ डेफिनेशन, ओके, नॉट कंप्लीटली डिफाइंडिंग द वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू एड समथिंग, ओके, सो एंड फॉलो द वेक्टर मैथमेटिक्स, ओके, फॉलो द वेक्टर मैथमेटिक्स, ऐसी क्वांटिटी जो वेक्टर मैथमेटिक्स को भी फॉलो करें और जिसके पास एटलीस्ट डायरेक्शन हो, ओके, मैग्नीट्यूड हो ना हो इट डजंट मैटर, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, बिकॉज द डायरेक्शन इज द की पॉइंट विच कॉजेज अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, ओके। वेक्टर होने का बेस चीज क्या है, उसके पास डायरेक्शन हो, देन इट शुड फॉलो द वेक्टर मैथमेटिक्स, ओके। देर आर सम क्वांटिटीज लाइक विच हैव डायरेक्शन लाइक करंट, ओके, सो बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वाई, बिकॉज इट नॉट फॉलोज द वेक्टर मैथमेटिक्स, ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। सर हमने कैलकुलस भी पढ़ी है, हमने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी है, हमने अलजेब्रा भी पढ़ी है ना, हमने अर्थमेटिक भी पढ़ी है, हमने ज्योमेट्री भी पढ़ी है, ओके, आपने कोऑर्डिनेट भी पढ़ी होगी है ना, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी होगी, बहुत सारे मैथमेटिक्स के टाइप है, एक नया टाइप आ गया है उसको भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है, सिक्स टाइप पढ़ लिया, सेवन टाइप भी पढ़ लो। वेक्टर मैथमेटिक्स एक इजी टॉपिक है, लिटरली बोलूं क्योंकि बहुत सब चैप्टर में यूज होता है, आपको बहुत टाइम मिलता है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मास्टर हो जाते हो, ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं वेक्टर मैथमेटिक्स के लिए, बस अभी के लिए रटो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड नहीं, इस वीडियो के लिए रटो कि वेक्टर मैथमेटिक्स जैसा कोई चीज होती है, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैं एग्जांपल दूं आपको, तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, सबसे आसान, हमने यहाँ पे डिस्टेंस यूज किया, अब मैं क्या यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ओके, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लाइक आई गोज 3 मीटर इन दिस डायरेक्शन एंड देन 2 मीटर इन दिस डायरेक्शन, हाउ मच आई डिस्प्लेस, ओके, ओनली 1 मीटर आई डिस्प्लेस्ड, ओके, व्हाई, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, I just going this direction, I think I'm going to take this direction as west, okay, and this direction is east, okay, so I'm going 3 meter in west direction and then coming 2 meter towards the east, so I am displacing myself only 1 meter, why,
because this is a displacement. Displacement depends upon the direction. Direction changes, displacement changes. Okay, so this is the displacement. Okay, नहीं तो distance होती 5 meter, जैसे कि अभी की आपको समझाई थी. Okay, आसान concept है, और कुछ नहीं. Like एक आपका speed का फंडा, दूसरा कौन होता है, वेक्टर. बस वेक्टर लिखती मैं, velocity. It happens sometimes. Okay, shooting करना बड़ा easy लगता है, लेकिन होता नहीं है ना. It takes so many years to be a perfect actor. But I'm not an actor, I'm a teacher. So how could I act? Okay. So this is a different thing. Like, okay. Difficult होता है. कैमरे के सामने शूटिंग करना मजाक नहीं, literally नहीं. Okay. So this is a displacement, velocity. There are so many vector quantities like acceleration, like force, like torque. So many are there. Okay. Like I just said, acceleration. Why I'm explaining it? Because इसी को मेरे को concern है. यही मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ. टॉर्क, मोमेंटम, कितने बताऊँ मैं भाई, कितने बताऊँ. बहुत सारी क्वांटिटी है, 80 चला देते हैं. कहने की बात यहाँ पे ये है कि देर आर सो मेनी क्वांटिटीज दैट यू हैव हर्ड, दैट यू हैव ऑलरेडी नोन, ओके, इन 9th और 10th क्लासेस. ओके, सो दीज आर द क्वांटिटीज दैट यू हैव ऑलरेडी लिसनिंग अबाउट देम और यू नो द थिंग्स. ओके, सो कुछ नहीं है, केवल और केवल एक डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट थिंग आपको पढ़नी है, बैठा, और कुछ नहीं है. ओके, इजी कंसेप्ट है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है. मुश्किल होता तो 11th 12th में नहीं देते, पहले में बता दो आपको. जो चीज मुश्किल है, जो फीस टिपिकल है, वो 11th 12th में नहीं मिलती है, वो ग्रेजुएशन में जाकर मिलती है. आपको 11th 12th में हमेशा इजी ही पढ़ना होता है. हटाए, ओके सर, ये बहुत इजी है कहना कि इट इज इजी, इट इज डिफिकल्ट सर. ओके, आप जिस पोजीशन पे इस समय हो, उस पोजीशन पे आप बोल सकते हो कि सर इट इज डिफिकल्ट, बट आफ्टर 2 years व्हेन यू जस्ट क्रॉस द कंपटीशन, जस्ट गेट एडमिशन इन समवेयर फॉर द MBBS कोर्स और BTech और वट एवर यू वांट टू डू, जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे आफ्टर 2 years, आप लिटरली अपने डिसेबल से बोलोगे या अपने यंगर से बोलोगे या जो भी आपके होंगे, फिजिक्स बहुत आसान थी, ऐसा कोई बोलता नहीं. मजाक कर रहा हूं, ये मैंने झूठ बोला था, सही बोल रहा हूं, ऐसा कोई बोलता नहीं कि फिजिक्स बहुत आसान है. ओके, ये बस मानने वाली बात है, परसेप्शन है फिजिक्स के अगेंस्ट कि फिजिक्स बहुत टिपिकल चीज है नहीं. फील लो, फील लेके पढ़ो, बहुत आसान लगेगा, और जब तक फील नहीं लोगे तब तक बहुत टिपिकल लगेगा. दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द फिजिक्स. क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, हम यहाँ पे कई सारे वेक्टर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम दो सॉरी 4 टाइप वेक्टर ही पढ़ेंगे. ओके, और मैं उसमें सबसे पहला लिख रहा हूँ, पहले का नाम इक्वल वेक्टर. ओके, फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर. व्हाट इज इक्वल वेक्टर? ओके, सो लेट्स सी अबाउट इट. इक्वल वेक्टर, जब दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है, ऐसे एक वेक्टर ए है. ओके, आई जस्ट फॉरगेट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर. ओके, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर्स. ओके, जस्ट विद एन एरो, दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड द टेल ऑफ द वेक्टर. ओके, किसी भी वेक्टर को अपन रिप्रेजेंट एक एरो से करते हैं, और उसके नीचे उसको लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं विद अ वेक्टर साइन ऑन हेड. ओके, ए वेक्टर, वी सेड ए वेक्टर. ओके, नाउ इक्वल वेक्टर की बात कर रहा हूं. सो इफ टू क्वांटिटीज, इफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, या टू वेक्टर लिखना चाहिए क्योंकि क्वांटिटी तो सेम रहेगी, टू वेक्टर. ओके, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. ओके, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड
एज सेम एज इन डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है दोनों का, देन दे विल बी अन इक्वल वेक्टर. देन वेक्टर नोन एज इक्वल वेक्टर्स. ओके, इतनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी में मैं पंखे को 2 नंबर पे चलाया हूं ताकि उसकी आवाज कम आए. फैन की देख रहे होंगे वो मैं अंडरग्राउंड में हूं सर. यस, आई एम अंडर द ग्राउंड. ओके, मेरा खुद का जो रूम है वो बेसमेंट है. ओके, मेरे घर में मेरा पूरा फ्लोर जो है बेसमेंट है, उसके ऊपर 2 फ्लोर अलग है. तो मैं बेसमेंट वाले फ्लोर में हूँ, जो कि थोड़ा सा काइंड ऑफ बाहर वाले ऊपर वाले फ्लोर से रेस्पेक्ट में ठंडा रहता है. ठीक है, बहुत ठंडा है लेकिन स्टिल गर्मी है बहुत ज़्यादा. 50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर चल रहा है दिल्ली के आसपास. आई एम नियर बाई दिल्ली, सो गर्मी तो लगती है. तो एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल ना देखे इसका, मैं जस्ट आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशन देता हूँ. लाइक दिस इज अ वेक्टर, आई जस्ट सेड, आई जस्ट सॉ कि एक वेक्टर ए है. ओके, और एक वेक्टर बी है. ओके, यदि ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं तो कंडीशन क्या है कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी ये होगा तो इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम. दीज आर द टू कंडीशन. ये टू वेक्टर्स आर फॉलोइंग दीज टू कंडीशन. ओके, बेसिकली ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, यही कंडीशन अपने आप में सब चीज एक्सप्लेन कर देती है. ओके, तो टू वेक्टर्स आर शोइंग दिस कंडीशन, ऊपर वाली कंडीशन ही शो कर रहे हैं, नीचे वाली का तो मतलब ही नहीं बनता हमारे को देखने का. नीचे वाली अपने आप हो जाएगी, ये ऊपर वाली जो ही ना अपनी नीचे वाली अपने आप हो जाएगी, समझा दूंगा बाद में. ओके, तो यदि ऐसा हो रहा है तो ये दोनों वेक्टर ए एंड बी बोथ आर इक्वल वेक्टर्स, बोथ आर इक्वल वेक्टर. वी सेड बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. ओके, दिस इज द कंडीशन, दिस इज द बेसिक कंडीशन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वेक्टर. पहले मैं बता दूं कि पॉज लो, वीडियो पॉज कर रहा और स्क्रीनशॉट लो, दैट्स हाउ यू मेक द नोट्स. ओके, सो नाउ राइटिंग द अनदर वेक्टर, नेम इज नेगेटिव वेक्टर माइनस फॉलन डाउन. ओके, कभी कभी नेगेटिव वेक्टर. ओके, व्हाट इज द नेगेटिव वेक्टर? ऑब्वियस सी बात है, जस्ट डिफरेंट होगा लिटिल बिट, ऐसा नहीं पूरा डिफरेंट होगा. ओके, द वेक्टर विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड. ओके, द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ये क्या है? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, जस्ट अपोजिट. लाइक दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर बी. As you can see, the direction of two vectors are exactly opposite to each other. But as I try to draw two lines equal to each other, okay, we can see the magnitude. Okay, this is the representation of magnitude of a vector. Magnitude of both vectors are same. Okay, this is the magnitude. How do we represent the magnitude? अभी मैं बता भी दूंगा अच्छे से. अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि unit vector नहीं पढ़ा है. जब तक unit vector नहीं बताता तब तक कुछ नहीं है. Okay. ये यूनिट वेक्टर से पहले बताना ज्यादा जरूरी है. ओके, दिस विल बी द कंडीशन, बोथ विल बी नेगेटिव वेक्टर. वी कॉल बी वेक्टर इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. वी सेड इट कि वेक्टर बी इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट नेगेटिव वेक्टर. नाउ द थर्ड वन,
third one. Okay, we complete four vectors right now. This is the second one. Now I'm going to teach you the third one. These were the simple things. Okay, the third one is also not so typical to understand. Okay, not so conceptual. Just we have to listen them and we just get to know what it is. Okay, the name is zero vector and literally it is the easiest vector to understand. Okay, easiest. क्यों? इसके नाम में zero है. Zero है. इसका मतलब क्या है? The vector which has zero magnitude. But has direction. The vector which have zero magnitude but have direction. Direction has to pass. ऐसा नहीं है direction नहीं है. Direction है लेकिन zero magnitude. That's a problem. इसका example आपको मिलता है uniform circular motion में. Uniform circular motion में आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा और वो ही किसका एग्जाम्पल होगा लीनियर एक्सेलरेशन का. लीनियर एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके आई जस्ट यूज सर्कुलर मोशन. ओके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन इज अ जीरो वेक्टर. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो वेक्टर. अ जीरो एंड अ वेक्टर ऑन इट. द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन या आप एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो सिंपल. तो जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है या एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है. जीरो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट इट इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल. ओके पार्टिकल एज पार्टिकल जो आपका रोटेट करेगा किसी सर्कुलर मोशन में. ओके लाइक आपने एक स्ट्रिंग ली. ओके या रोप ली. ओके उस पर एक पत्थर बांधा एक छोटा सा स्टोन और उसको आप घुमाने लगे टैंड तो जो मोशन होगा वही सर्कुलर मोशन होगा. ओके और आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. मैं बना लेता हूँ कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तभी तो वो सर्कुलर मोशन कर पाएगा. डायरेक्शन चेंज नहीं होगी ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो वो कैसा मोशन हो सकता है? स्ट्रेट लाइन होगा. डायरेक्शन चेंज हो रही है ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो वो एक सर्कुलर मोशन है. ओके और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है केवल वेलोसिटी उसकी सेम रहती है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके उसका मैग्नीट्यूड सॉरी ओके उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है. वो उसकी स्पीड सेम रहती है. ओके स्पीड सेम रहती है इसीलिए इस मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन होता तो है लेकिन वो मैग्नीट्यूड उसका जीरो रहता है. उसका पार्टिसिपेशन जीरो रहेगा. वो बस इसलिए है कि वो मोशन की डायरेक्शन चेंज करेगा. दैट्स इट नथिंग मोर देन दैट. बस इसीलिए जस्ट लाइक टीचर कैन ओनली गाइड यू टू भाई हाउ टू क्रैक द कॉम्पिटिशन. दे आर नॉट गोइंग टू क्रैक द कॉम्पिटिशन फॉर यू. यू हैव टू क्रैक. ओके तो हम लीनियर एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जिसका काम केवल आपको गाइड करना है ना कि आपके लिए पेपर को क्लियर कर देना क्योंकि ऐसा होता तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता आप लोगों के लिए है ना. सो दिस ऑल अबाउट द जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? जीरो रहेगा लेकिन उसके बाद डायरेक्शन रहेगी. एंड नाउ ग्रैंड फिनाले सॉरी ग्रैंड फिनाले. ओके द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फोर्थ वेक्टर दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर और यही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट वेक्टर इसको समझ लो और आपका यूनिट आपका जो वेक्टर है ना वो आधा काम आपका हो जाएगा इजी. ओके यूनिट से नाम से समझ में आता है यूनिट वेक्टर विच हैव यूनिट इन मैग्नीट्यूड. ओके वेक्टर विच इज यूनिट इन मैग्नीट्यूड. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. ओके वेक्टर विच इज
यूनिट इन मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, ओके, जो मैग्नीट्यूड वाइज यूनिट, ओके, सिंगल है, सिंगल, वन वन सिंगल, ज्यादातर आपने ऐसे फेसबुक पे सबका वही स्टेटस सर सिंगल नहीं सर मैं तो मिंगल हूँ, ओके, कोई ना कोई तो जरूर होगा, कोई ना कोई पेयर, खैर छोड़ो मुझे कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी हो, ओके, यहाँ पे तो ये मेरा वेक्टर जो है वो सिंगल ही, ओके, वो हमेशा सिंगल रहेगा, क्योंकि उसका नाम यही है, उसका नाम यही है यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड वन होगा, इसके पास डायरेक्शन होगी लेकिन मैग्नीट्यूड उसका कितना रहेगा वन, ओके, ये क्यों क्यों ज्यादा जरूरी होता है, ओके, इट इज यूज टू मेक ए वेक्टर, ये वेक्टर को बनाने के काम आता है, इसलिए कंसेप्ट ज्यादा जरूरी था ये, जैसे कि आपको फिजिकल क्वांटिटीज में यूनिट होती है ना, लाइक डिस्टेंस यूनिट मीटर, मीटर ही बताता है कि कितना डिस्टेंस हुआ है ना, या किलोमीटर या सेंटीमीटर, मतलब यूनिट बताती है मुझे कितना डिस्टेंस है, यदि डिस्टेंस की जगह मैं यूनिट जो है वो सेकंड रख दूं तो वो क्वांटिटी टाइम हो जाएगी, मैंने बोला कि 2 सेकंड रन किया मैं, ओके, आई रन 2 सेकंड, तो क्या ये मेरी लेंथ बता रहा है, नहीं, ये डिस्टेंस बता रहा है, नहीं, दिस इज टेलिंग अबाउट द टाइम, है ना, आई कांट अंडरस्टैंड, ओके, वेट अ सेकंड, ओके, इट्स रनिंग, आई थॉट समथिंग डिफरेंट थिंग, ओके, सो ये डिस्टेंस नहीं बता सकता, यदि यहाँ पर मैं सेकंड की जगह मीटर रख दूँ तो आई जस्ट गॉट टू नो कि आई रन फॉर 2 मीटर, मैं 2 मीटर रन किया, है ना, तब तो मुझे डिस्टेंस पता चलेगी, मतलब डिस्टेंस किस पे बेस करती है, इस यूनिट पे, ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, कि वेक्टर बनाने के लिए भी तो हमें कुछ यूनिट चाहिए, वो यूनिट होता है यूनिट वेक्टर, ओके, यूनिट वेक्टर, ओके, अब हम लोगों ने डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट यूनिट वेक्टर पहले से ही अपने यहां पर ज्यूम कर लिए हैं, ओके, देयर आर डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इन 3D, डी का आता है 3 dimensions, ओके, और उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर फिलहाल, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ना जेड एक्सिस, ओके, यदि आप में से कोई ऐसा बच्चा है होगा जरूर होगा कि जिसको एक्सिस समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने रूम में जाओ, रूम के कॉर्नर पे फोकस करो, वहां पे आपको तीनों एक्सेस साफ दिख जाएंगे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, मेरा हाथ दिखा नहीं होगा नीचे, है ना, ज्यादा नीचे हो गया, एक ऐसे और एक ऊपर, देखे लाइक दिस, दिस इज 3 dimensional हैंड साइन, ओके, ये फ्लेमिंग का राइट हैंड हो गया, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो दिस इज समथिंग एक्सेस, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एक्सेस विद जेड एक्सेस, ओके, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्सेस, ओके, एंड दीज 3 axes आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, ओके, तो हमने इन तीनों एक्सेस में एक एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया, दिस इज द आई कैप इन एक्स एक्सेस, ओके, दिस इज द जे कैप इन वाई एक्सेस, एंड दिस इज के कैप इन एक्स एक्सेस, इसका फायदा क्या हुआ, वेक्टर बनाने में फायदा हुआ, मैं जैसे आपको लिख चुका हूं, इसका यूज है वेक्टर को जनरेट करने में, वेक्टर क्वांटिटी को बनाने में, ओके, इफ आई नो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी आई कैन मेक इट वेक्टर बाय दीज थिंग्स, लेट्स सी हियर, जैसे कि मेरे पास एक पोजीशन है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, दिस इज अ पोजीशन, जैसे कि आप लिखते होंगे ना 2,3, है ना, ऐसे ही 2,3,4, ऐसे ही दिस इज एक्स वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ओके, नाउ अब मुझे इसका ये एक पोजीशन है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये क्या है कोऑर्डिनेट से पोजीशन, इसका पोजीशन वेक्टर बताना मेरे को, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता ध्यान से, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, जो मैंने अभी आपको ये लाइन ड्रॉ की है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर, व्हाट वी सेड इट आर वेक्टर, ओके, नाउ हाउ टू जनरेट द आर वेक्टर, ओके, आर वेक्टर को देखते हैं, यहां से देखो आर वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस में कितना है, फोकस करो तो एक्स एक्सिस में वो कितना है एक्स, है ना, एक्स एक्सिस में वो कितना है एक्स,
और यूनिट कितनी है वहां पे, आई एक्स इंटू आई है ना। ये जैसे कि 2 मीटर, मीटर इज अ यूनिट, 2 इज द मैग्नीट्यूड, एक्स इज द मैग्नीट्यूड, आई इज द यूनिट, इट्स वर्क लाइक दिस। ओके 2 मीटर एक्स आई प्लस वाई एक्सिस में कितना है, वाई। ओके और यूनिट कितनी है वहां पे, जे कैप। एग्जैक्टली द सेम वे इन द थर्ड एक्सिस द जेड एक्सिस, जेड के कैप, दिस वन आई कैप, सॉरी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके लिटरली मैं एक चीज मिस किया हूं यहां पे बताना आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ओके वी हाउ टू बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ओके अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैप। ओके इफ सम देयर इज अ वेक्टर, ओके देयर इज अ वेक्टर और उसके ऊपर कैप लग गया तो आप समझ जाइए वो एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट हमेशा एक होती है और कैप भी एक टाइम पे एक ही इंसान पहन सकता है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू बी अ कैप एट अ सेम टाइम बाय द टू पीपल, नो देयर इज नो वे है ना। एग्जैक्टली द सेम फंडा वर्क हियर कि अपन लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कैप एक आदमी ही पहन सकता है एक टाइम पे या एक लेडी, ओके दो नहीं पहन सकते लिटरली। सो दिस इज द थिंग, ओके सेम कैप पहन नहीं सकते, हाँ सेम टाइप की पहन सकते हैं, सेम टाइप की कितने भी लोग पहन सकते हैं, लेकिन सेम कैप तो एक ही पहन पाएगा, तो इसीलिए अपन लोगों ने उसको कैप से रिप्रेजेंट किया। आई इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, के इज द जेड एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस। Okay, so this is how we represent the unit vector, and by using the unit vector in different axes, we can make a vector quantity like we just made this position vector. I just write it in the position. Okay, I am thirsty right now because it is literally so garmi. क्लियर है इतना, क्योंकि अभी हमें 2-3 चीजें और देखनी है यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर छोटा चीज नहीं है, यूनिट वेक्टर के बारे में हमको मास्टर्स होना है। ओके फिलहाल ये समझ में आया होगा। ओके नाउ विल सी द नेक्स्ट थिंग, इस वेक्टर को देख लो, इसी वेक्टर की फॉर्म में आपको वेक्टर मिलते हैं, ठीक है, अलग ही डिफरेंट थिंग में मिलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस क्लास में, एक नॉर्मल से क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो आप लोग। जस्ट अभी मेरे पास एक वेक्टर आया था, मैंने लिखा उसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके मेरे पास 2 क्वेश्चन है और मैं दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड ए हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। Okay, this is the first question that is in my mind, okay, and the second question is how to find the unit vector of a vector. Okay, there is a question how to find the magnitude of a vector and how to find a unit vector of a vector. तो पहले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे अपन लोग, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है मैंने एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ओके और इसका मुझे को फाइंड क्या करना है, मेरे को इसका फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। हाउ कैन यू फाइंड, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, याद करो फॉर्मूला है, मेरे पास वेक्टर है आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इट दिस वेक्टर। सो पहली बात आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है इस वेक्टर को, लाइक दिस, ओके लाइक दिस, ओके दिस इज द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके एंड नाउ लर्न दिस फॉर्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट्स हाउ दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी यूज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a vector. This is only way how can we find the magnitude. Okay? और याद कर लो, रट डालो इसको दिमाग में, मतलब नींद में भी आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले
आप नाइटमेयर देख रहे हो भूत का, बहुत तगड़ा भूत का आपको पकड़े हुए है, और उसने बोला कि बता हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। ओके, तो आप उसको बता, ठीक है, इतने डरे हो, ये तो फ्रांसिस सर ने बताया था, ऐसे है बता सो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव कंप्लीटेड नाउ। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में खुरापात मच रही है, बहुत से दर्द कर रहा है मेरा, ये सबसे ज्यादा है, यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाए किसी भी वेक्टर को। दिस इज अ वेक्टर, ओके, एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप प्लस जेड के कैप, इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है, जैसा कि आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो। यदि मैं एक्स को भी मान लूँ, वाई को भी मान लूँ, जेड को भी मान लूँ, तो फिर भी ये कितना आएगा, √3 आएगा, है ना, मतलब समथिंग तो मैग्नीट्यूड है इसका, कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है। तो अब इस मैग्नीट्यूड को कैसे यूनिट बनाया जाए, इस मैग्नीट्यूड को कैसे यूनिट बनाया जाए, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, इसको डिवाइड कर सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, हाँ या ना, सोच के बोलो भाई। यदि यहाँ पे 5 मीटर लिखा है, मैं उसको 1 बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, उसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, 1 मीटर, 5 मीटर लिखा था, मैंने उसको 5 से डिवाइड किया, मीटर से डिवाइड नहीं किया, ध्यान से देखो, मैंने ओनली 5 से डिवाइड किया, नॉट मीटर से, मतलब मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, नॉट उसके वेक्टर से। ओके, मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जानता हूँ, मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब आर कैप। आर कैप कैसे फाइंड होगा, फॉर्मूला याद करो उसका, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दोनों चीजें आप जानते हो, एक्स आई कैप वाई जी कैप जेड के कैप डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चंस, ओके, दीज आर द सिंपल फॉर्मूलाज, दीज आर द फर्स्ट फॉर्मूलाज दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सो आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चन, आई थिंक दैट आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख के दे दोगे, कुछ भी आप करोगे, मतलब मेरे को अप्रोच करोगे किसी भी तरीके से। आपको यदि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं, ओके, यदि आपके पास नहीं है तो। ओके, खैर फिलहाल आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चन, इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, एंड द थर्ड लेक्चर जो होगा उसमें हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सीखेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन देखेंगे वेक्टर का, दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन। ओके, आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चन ऑन दीज टू फॉर्मूलाज, ओके, लिटरली टू दीज टू फॉर्मूलाज, ओके, सो आई होप आप लोगों ने इसका बिल्कुल सही, आपने इन लोगों के इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन है आपको, सबसे पहला 5 क्वेश्चन तो ऑब्वियस बात है मैं मैग्नीट्यूड पे दूंगा, 5 क्वेश्चन यूनिट वेक्टर पे दूंगा, फाइंड मैग्नीट्यूड, आपको पास मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये रहे आपके वेक्टर, एफ वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस √2j कैप, ओके, प्लस 2k कैप, अगेन नाउ सॉरी फर्स्ट सेकंड, दिस सिंबल नॉन एज टाउ, दिस इज द सिंबल ऑफ टॉर्क टाउ, ओके, सो √3i कैप प्लस 1/2j कैप, ओके, यदि के कैप नहीं है इसका मतलब 0 k कैप है, ये याद रखना, ओके, दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, आई और जे नहीं है तो मतलब उनकी वैल्यू 0 है, ये याद रखना, ओके, हाँ, कितनी सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, है देखो, दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, इट डजेंट मैटर, यू
देयर इज अ माइनस साइन, आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपके जो जेड की वैल्यू है वो निगेटिव ऑफ 1/500, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैल्यू ऑफ जेड इज निगेटिव ऑफ 1/5। ओके, तो जेड स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने आप। तो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का आपको मैं दे रहा हूँ। मैंने इसमें हर चीज को कोशिश की है कि इसको मैं हर चीज को यहाँ पे आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर सकूँ। ओके, तो लास्ट चीज मैं दे रहा हूँ आपको, क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ, कौन सी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी। चलिए ये दे देते हैं, ये बहुत क्वांटिटी है मेरे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो 6.2 आई क्या प्लस 3.1 जे क्या एंड 12.3। ओके, मैंने आपको हर तरीके से टिपिकल बनाने की कोशिश की है, आपको हर ऑर्डर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। ओके, पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट सिंपल है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा हटा है, लास्ट क्वेश्चन सबसे टिपिकल होगा। ओके, ऐसे ही जो आपके यहाँ क्वेश्चन होंगे, फाइंड द यूनिट वेक्टर, आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम ऑफ हियर। ओके, फाइंड द यूनिट वेक्टर, और आपके यहाँ पे फाइव क्वेश्चन होंगे यूनिट वेक्टर को भी फाइंड करने के। फर्स्ट आपका होगा फोर्स, ओके, 3i² - 2j² + 6k², ओके। क्वेश्चन नंबर टू, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फाइन जो मैंने अभी आपको बनाया, ओके, √6i² - √3k², ओके, यहाँ पे j गायब है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो होगी। ओके, ये आपको याद रखने होंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन एंड दिस इज द वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन जो मैं आप लिखने वाला हूँ। ओके, ठीक है, अभी सब मिक्स कर दिया हमने। ओके, प्लस भी अंडर रूट भी मिक्स कर दिया यहाँ पे, 1/6 भी कर दिया, पॉइंट रेशनल बॉडी भी कर दिया, नेगेटिव साइन भी कर दिया। ओके, हर तरीके का क्वेश्चन आपको लिए ऐड कर रहा हूँ, हर चीज बता दे रहा हूँ आपको यहाँ की। ओके, ताकि आप आगे जाके प्रॉब्लम में ना आए। ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल हो, लास्ट करता हूँ आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन। ओके, और पोजीशन वेक्टर, या पोजीशन वेक्टर की जगह मैं आपको कुछ नई चीज दिखा दूँ, बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो ये 10 क्वेश्चन है आपको, मेरी पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के लास्ट तक आप जब देख चुके होंगे तो 10 क्वेश्चन बड़े आराम से आपके लिए हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब आंसर देंगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आप जब भी देखो मुझे नहीं मतलब, आप आंसर जरूर देना, ठीक है। और टिल देन अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।